नमस्ते साथियों, पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ कुछ नए अंदाज के साथ में। आज से हम जो वीडियो सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं वह है ट्रेन योर ब्रेन वीडियो सीरीज। इसमें लगातार एक के बाद एक अलग अलग विषय पर बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे और उसमें आज पहला वीडियो है जीतेगा वही जो हार ना माने। साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि हार को हराने का नाम ही असली जीत है। असल में असली विजेता वही होता है जो हार का सामना करते हुए भी अपना संघर्ष जारी रखता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और हार मान लेते हैं। असल में वह अपने सपनों से, अपने ड्रीम से समझौता कर लेते हैं। पर हमेशा याद रखें कि जीवन एक दौड़ है जिसमें ठोकरें भी लगेगी, चोटें भी लगेगी, आप गिरेंगे भी और हारेंगे भी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गिरे हैं, फर्क उससे पड़ता है कि गिरने के कितनी देर बाद आप खड़े हुए हैं। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी लक्ष्य पर पहुंचने वाले होते हैं या मंजिल आने ही वाली होती है और अचानक कोई ना कोई बाधा आपके सामने आ जाती है और आपको रोक देती है, डेफिनेटली आपने तब खुद से यह प्रश्न पूछा होगा कि क्या मैं अब भी इस काम को कर सकती हूँ। आखिर ऐसा क्या है जो आपको हारने के बाद भी या रुकने के बाद भी फिर से खड़े होने के लिए प्रेरित करता है? सोचिए, वह है आपका वो लक्ष्य जो जीवन के लिए आपने बनाया होता है, वो उद्देश्य जो आपके जीवन का होता है, आपका सेल्फ मोटिवेशन, आपका फियर ऑफ फेलियर नहीं होना या आपका यह समझना कि समय की कीमत क्या है और साथ ही यह बिलीव होना कि फेलियर इज जस्ट एन इवेंट, नथिंग एल्स। साथियों, हार हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। वह हमें यह बताती है कि हम कहां पर कमजोर थे और कैसे हम अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। क्या आपको पता है कि जीवन में आप जब भी हारते हैं तो आप अपने एक्चुअल वर्जन से रूबरू होते हैं। हर हार आपको अपने लिमिट्स से आगे ले जाती है और आगे ले जाने के लिए आपको हमेशा प्रेरित करती रहती है। आप जितनी भी बार जीवन में गिरते हैं आप उतना ही मजबूत होते चले जाते हैं और हर हार आपको कुछ न कुछ नया लर्निंग देती ही है। जब भी आप हारेंगे तब यकीन मानिए कि आप जीत की ओर एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। साथियों, कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन में आप फेलियर का कहीं न कहीं सामना कर रहे हैं और आप उन फेलियर के सामने कहीं हार जाते हैं या घुटने टेक देते हैं? तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि हार को कैसे हराएं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हम जानेंगे जहां पर हम हार को हरा सकते हैं। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक दृढ़ संकल्प लेना जरूरी है। कहा भी गया है, एक सुंदर कविता की पंक्तियां हैं कि हर विजय संकल्प के पद पूजती देखी गई, जीत ही उनको मिली जो हार से जमकर लड़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेप्ट फेलियर एज अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ जर्नी। हमेशा अपनी असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा मान लीजिए ना और एक्सेप्ट करिए अपनी कमजोरियों को। फेलियर इज गुड, फेलियर इज अमेजिंग, बशर्ते कि आप उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें, तो आप देखेंगे कि यह आपको और भी मजबूत बना देता है। आई एम्ब्रेस फेलियर एंड आई लर्न मैसिवली फ्रॉम देम। लोग कहते हैं कि आई विल आइदर सक्सीड और आई विल फेल। मैं कहती हूँ सक्सेस और फेलियर नहीं होता बल्कि सक्सेस एंड फेलियर होता है, जो दोनों साथ साथ चलते हैं। फेलियर इज द चाट मसाला ऑफ सक्सेस। यदि आप सक्सेस के ऊपर फेलियर का चाट मसाला स्प्रिंकल कर देते हैं तो आप देखेंगे कि उस सक्सेस का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है, जो आपको काफी समय तक याद भी रहने वाला है। और उसके बाद रीफ्रेम फेलियर एज लर्निंग। हमेशा याद रखें कि फेलियर इज नॉट द स्टेपिंग स्टोन टू द सक्सेस, लर्निंग फ्रॉम द फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू द सक्सेस। एक असफलता या एक हार डेड एंड नहीं है, यह तो स्टेपिंग स्टोन है जो आपको सक्सेस तक लेकर जाएगी। कभी भी आपकी विफलताएं या निराशाएं आपको परिभाषित नहीं करती,
आपको परिभाषित करती है, आप किस तरह से उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं। आपका दृढ़ निश्चय ही आपको परिभाषित करता है और आपकी पहचान बन जाता है। एंड नाउ टेक टाइम टू एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी तैयारियों में कोई कमी रह गई हो या फिर आपने अपने टास्क को अंडर एस्टिमेट कर दिया हो। एंड नाउ फोकस ऑन सॉल्यूशन नॉट ऑन प्रॉब्लम्स। अपनी लाइफ में समस्याओं को, परेशानियों को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दे कि आपको समाधान के रास्ते ही नजर आना बंद हो जाए। ऑलवेज रिप्लेस नेगेटिव सेल्फ टॉक विद पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग थॉट्स, क्योंकि यह बिल्कुल सही है। I am 100% responsible for my thoughts, for my feelings and for my emotions. हमेशा याद रखें कि positive mindset आपको motivate रखता है। जीवन में कई लोग हार जाते हैं जब उनके सपने बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं और उनको वो बहुत कम समय में अचीव कर लेना चाहते हैं। यदि ऐसा भी है तो always break down your bigger dreams into smaller and actionable steps. और जब भी आप अपने dreams को पूरा करना चाहते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमेशा अपने guide, अपने mentor का support लेना नहीं भूलें। साथियों, वो लोग कभी भी नहीं हारते जो लोग अपने आप को like-minded and supportive people से जोड़ कर रखते हैं, क्योंकि ये ही तो वो लोग हैं जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करते रहते हैं। यदि वाकई में आप जीतना चाहते हैं तो हमेशा ये याद रखें कि अपने आप को ऑलवेज लर्निंग मोड में रखें, क्योंकि आप जितना नॉलेज गेन करते हैं, जितना स्किल सीखते हैं या फिर जितना एक्सपीरियंस गेन करते हैं, यकीन मानिए कि उतना ही ज्यादा आप अपने आप को किसी भी चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए इक्विप्ड करते चले जाते हैं। एक बात और, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी नहीं हारता जो अपने इमोशंस को मैनेज करना जानता है। हर फेलियर सेटबैक्स लाती है, फ्रस्ट्रेशन लाती है, सेल्फ डाउट लाती है, पर यदि आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना आ जाता है और अपने इमोशंस को मैनेज करना आ जाता है तो आपको जीवन में कोई भी नहीं हरा सकता। वो लोग भी कभी नहीं हारते जो कभी भी अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करते। ऐसे कई बड़े बड़े महान नेता, अभिनेता, पर्सनालिटीज हमने देखे हैं जिनके जीवन में उन्होंने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि अनगिनत बार हार का सामना करा है, परंतु वो कभी भी रुके नहीं। उनका जुनून उनको आगे बढ़ाता रहा। उनका लाइफ हमें यह सिखाता है कि जब एक स्ट्रेटजी काम नहीं करती है तो दूसरी पर काम करो, पर डोंट स्टॉप, ऑलवेज कीप ट्राइंग। आइए इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे पर्सनालिटीज, ऐसे महान व्यक्तित्व को जिनके जीवन में उन्होंने न जाने कितनी बार असफलताओं का सामना किया है। उसमें से पहला नाम है अब्राहम लिंकन का, जिन्होंने अपने जीवन में 1, 2, 3, 4 नहीं अनगिनत बार असफलताओं का सामना अपने व्यवसायिक और राजनीतिक जीवन में किया है। पर यह उनका जुनून था या उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी जिसने उन्हें 16वां राष्ट्रपति अमेरिका का बना दिया। सबके दिलों पर राज करने वाले बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन जी की यदि मैं बात करूं कि जब उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत करी थी उस समय पर न जाने कितनी बार उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। उनकी जिस दबंग आवाज की वजह से आज वो पहचाने जाते हैं, उसी आवाज की वजह से उसे भारी कहकर उसे अस्वीकार रेडियो ने कर दिया। उनकी हाइट की वजह से उन्हें बहुत सारी फिल्मों में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने इन चुनौतियों का सफर जारी रखा और 1970 से 1980 तक बहुत सारी सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी। 1990 में एक बार फिर से वो दौर आया जब उनकी फिल्म्स फ्लॉप होने लगी और उन्होंने फिर से एक बार असफलता का सामना किया। बहुत सारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल क्राइसिस भी उन्होंने देखे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से कई हिट फिल्म और कौन बनेगा करोड़पति के साथ में वापसी की। साथियों, उनके जीवन में न सिर्फ करियर या बिजनेस को लेकर चुनौतियां आई बल्कि उन्हें सीवियर हेल्थ इश्यूज भी हुए। आप सभी जानते हैं कि कुली मूवी की शूटिंग के दौरान जब उन्हें सीवियर इंजरी हुई तब उनकी लाइफ के लिए भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई कि पता नहीं क्या होगा। उस स्थिति में भी उन्होंने एक चमत्कारिक रूप से वापसी की और अपनी इस जंग को जारी रखा। साथियों, बिग बी आज के समय पर न सिर्फ एक सफल अभिनेता है
बल्कि हम सभी के प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी असफलताएं आ जाए, पर आत्मविश्वास और मेहनत के साथ में जो आगे बढ़ता है वह फाइनली सक्सेस तक पहुंच जाता है। उनका जीवन इस कहावत को चरितार्थ करता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यही हमारा जो आज का सीरीज है ट्रेन योर ब्रेन, इसका फर्स्ट लर्निंग भी है। उनके जीवन के हर चैलेंजेस ने उनको और अधिक मजबूत बना दिया और उन्होंने लोगों को यह दिखा दिया कि हार को कैसे हराया जाता है। तो साथियों आइए हार को हराते हैं और हर पल मुस्कुराते हैं, क्योंकि यह सच है कि जीतेगा वही जो हार ना माने।